हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रांजल एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो अभी मेरे पास है मीवी का डुओ पॉड ENC A550। तो अभी रिसेंटली मैंने इसको एक हफ्ते पहले परचेस किया था। तो ये वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि मेरा एक हफ्ते का एक्सपीरियंस इसके साथ कैसा रहा। तो अभी पहले मैं इस वीडियो को इसके साथ कनेक्ट कर लेता हूँ, फिर आपको वॉइस क्वालिटी इसकी जो है वो समझ में आएगी। तो अभी मैंने अपना जो ये मीवी का डुओ पॉड A550 है, इसको मैंने अपने फ़ोन से कनेक्ट कर लिया। तो बेसिकली ये मेरा रिव्यू होगा कि मेरा एक हफ्ते इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो मैं ज़्यादा इस वीडियो को लंबा खींचूंगा नहीं, और मैं बताऊंगा कि अगर बेसिकली दो चीज़ों के लिए आप इसको यूज़ के लिए आप लेंगे। पहला, म्यूज़िक सुनने के लिए। तो अगर आप इसको म्यूज़िक सुनने या कोई भी गाना सुनने के लिए परचेज़ कर रहे हैं तो मत करिए, क्योंकि ये उतना एक्सपीरियंस अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहेगा। हाँ, बेसिक बेसिक आपको गाना और जो भी आपका म्यूज़िक का एक्सपीरियंस है वो बेसिक रहेगा, लेकिन अगर आप हायर लेवल पे जाना चाहते हैं तो वो एक्सपीरियंस आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका ड्राइवर जो है वो उतना पावरफुल नहीं है कि वो जो बेस या बास जो भी आप कहते हैं वो इन्हेंस करे या जो भी है। तो म्यूज़िक मतलब आउट ऑफ 5 3 स्टार या 2.5 स्टार मैं देना चाहूँगा। और रही बात इसकी जो माइक क्वालिटी है जिसके लिए फेमस है, यानी अपने माइक के लिए या कॉल जो इन्वायरमेंटल बैकग्राउंड नॉइज़ है उसको कैंसिल आउट करने के लिए, तो उसके लिए आप इसको रिकमेंड कर सकते हैं, क्योंकि इसका माइक काफ़ी अच्छा है और आपको बात करने में या कॉलिंग के लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और कोई भी क्यूरी होगी तो आप कमेंट करिएगा, मैं वहाँ पर आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। थैंक।